पहली बार हस्बैंड जी मेरे साथ आए हैं कुछ खरीदने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो भगवान करे आप सब 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 अच्छे हो जाए, है कि नहीं। और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं, ऊपर वाले के दया से आशीर्वाद से हम लोग के भी घर परिवार अच्छा है कि नहीं। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए। और वीडियो देखने के बाद एक लाइक और कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, है कि नहीं, क्योंकि आप लोग तो मेरे फैमिली मेम्बर हो ना। अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा, है कि नहीं। ओह माय गॉड, इतना तेज का हवा चल रहा है। देखिए गर्मी से इतना हम लोग परेशान थे, इतना परेशान हो गए थे, तो फिर जाके बारिश हुई है और उसके बाद मौसम में आया है सुधार, गर्मी थोड़ा हटा है और हवा बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम में ठंडापन आया है। अभी पंखा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्राकृतिक हवा ही अच्छा लग रहा है, है ना। अभी जो है सब पंखा चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए हम अपने बच्चे सबसे मिलवाते हैं। हेलो छोटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, छोटी के दाढ़ी पे क्या आ गया है? मच्छर काट लिया। मच्छर काट लिया कि गर्मी से हुआ है दाना दाना? ये गर्मी का है, गर्मी का। गर्मी की वजह से भी। हाँ, इतना तेज के अभी गर्मी पड़ रहा था ना कि देखिए इसका शक्ल से आप लोग को लग गया होगा कि कितना तेज का गर्मी पड़ा है, पूरे मुंह में दाना फुंसा फुंसी हो गया है। और मेरे घर यहाँ पे देखिए आम आ करके रखा हुआ है, देखिए पेड़ का पका हुआ आम भी है और बाजार से खरीदा करके जो आया है वो भी आम है, है ना। आप बताइए आप लोग खाइएगा इसमें से क्या। हेलो सोनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए सोनी कुमारी चाय बना रही है, देखिए, और एक सस्पेंड चाय है और ये इसमें से जो है आप सबका हिस्सा के भी बना रही है। तो आप लोग भी चाय पीने मेरे घर आ जाइए, है ना सोने। कितना चाय पत्ती कितना चीनी दी है? चाय के हिसाब से। चाय के हिसाब से सोनी दी है चाय पत्ती और चीनी, तो ये तो पीने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं, कि सोनी को चाय बनाने आता है कि नहीं। लेकिन देख करके तो लग रहा है कि इसको चाय बनाने आता है, और आएगा क्यों नहीं, आना चाहिए सबको। हेलो दर्शु, गुड मॉर्निंग। ये देखिए दर्शु को सुबह सुबह ब्रश करके लोग चाय बिस्किट खाता है, लेकिन ये आम खा रहा है क्योंकि आम जो है इसको बहुत 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 ज़्यादा पसंद है ना दर्शु। हाँ, और इधर टीवी में जो है तो देखिए गेम लगा करके देख रहा है और इधर जो है सो आम पे टूट पड़ा है। तो दर्शु मम्मी पापा चले गए तुम्हारे घर? अच्छा, दर्शु यहाँ गर्मी छुट्टी मनाने के लिए रुका है ना दर्शु। तो अब मिलिए मेरे छोटे छोटे बच्चे से, ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी मछली। लेकिन पता है बहुत दुख की बात है, देखिए इसमें जो है ना तो बहुत सारी मछली दिखती थी ना, अब देखिए एक ही है और एक चिक्कू मछली है, इसको बाद में हम लोग दिए हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं देखिए पूरे शीशा में जो है सो एक ही मछली आप लोग को दिख रहा है, सारा मछली गायब हो गया इसमें जो है ना, सो सारा मछली गायब हो गया है। बहुत दुख की बात है कि एक साथ चार मछली जो है सो मर गई। हाँ, बहुत बुरा लगा, जब इतू सा छोटी छोटी मछली जब थी तभी हम लाए थे और उसको दो साल से हम रखे हुए थे। आप लोग को तो देखते, आप लोग तो हमेशा देखते ही रहते थे ना, आप लोग को दिखाते रहते थे, ये देखिए मेरे पांच छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इसको भी जो है ना सो हम इतू सा ये सब थी तभी हम इसको लाए थे, इसको दाना दे दे करके और इसको पोस पोस के दो साल से अपने घर में रखे हुए थे। लेकिन चार जो है ना सो चली गई छोड़ के, और ये सब हुआ ना गर्मी के कारण से, इतना तेज का गर्मी पड़ा ना कि उस सब चारों को लू लग गया, चारों हम लोग को छोड़ करके चली गई है। हमको उस दिन बहुत बुरा लगा, बहुत 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 ज़्यादा रोना भी आया, बहुत रोए हैं। और अभी हम नहीं रो रहे हैं क्योंकि आप लोग कहिएगा कि फेक रो रही है, तो उसी दिन हम रोए थे। तो आ
आज हम लोग जाएंगे मछली के घर और आपको भी ले जाएंगे। आप लोग पसंद करिएगा कि कौन से मछली को हम अपने घर लेकर के आए, है ना, क्योंकि इसमें अब एक ही मछली है और अच्छा नहीं लगता है तो वो तो चिपकू है ना, वो तो गंदा खाती मछली है और इसमें एक मछली है, इसको भी मन नहीं लगते रहता है। देख रहे हैं अकेले इधर से इधर राउंड राउंड कर रही है। और पहले पांच थी ना, पांच तो एक दूसरे में सब झगड़ा वगड़ा करती रहती थी और हमको देखती थी ये लोग ना, तो ऐसे टूट पड़ती थी कि जल्दी से दाना देने के लिए दूर में हम खड़ा रहते थे, फिर भी सब वाँ 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 करते रहती थी दाना देने के लिए। और उसके बाद जो है सो अब जो है सो कम हो गया है। तो चलिए, घर के पास में ही है मछली का घर, हम भी ले चलते हैं। आप लोग भी देखिएगा कि कौन सा मछली लेना है ना। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। तो मेरे साथ जो है सो अक्षय भी जा रहा है ना। अक्षय, तो तुम मछली को जानते हो? हाँ, ये मछली को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है क्योंकि इसके नानी घर में बहुत सारा मछली है ना अक्षय। तो ये कहा है कि हम भी जाएंगे और खुद से पसंद करके लाएंगे। तो आज जो है सो मेरे घर न्यू मछली का आगमन होगा, प्रवेश करेगी वो लोग मेरे घर में। लेकिन पुराने मछली जो थी ना वो चली गई ना, बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ है क्योंकि उसका साफ सफाई दाना देना 2 साल से हम कर रहे थे, इसके लिए हमको ना बहुत बुरा लगा उसके लेकर के। अचार के चार की चारों के चारों की मौत हो गई, मर गई। सुरेंद्र जी मछली लेने नहीं जा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं खुद जाने के लिए। चलिए, हम लोग पहुँच तो गए मगर ये देखिए ताला लगा हुआ है। हमको बुलाया गया था कि आ करके ले जाने के लिए लेकिन यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। तो देखिए दीवार में ही हम लोग देख रहे हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा पत्थर लग रहा है आपका मछली, ये सब असली में है यहाँ। आ गए हैं भैया जी, इनका यही बगल में घर था, आ गए हैं। अब जो है सो ताला खुल रहा है। बाप रे, ये मछली तो अपन लोग रखने रही है ना जो मार जो दल कर बच्चा। हाँ, ये रखने रही है। हेलो मछली जी, हम मछली के घर आ गए हैं। देखिए कितना बड़ी है, बाप रे बाप, ये तो समुद्र में रहने लायक है। ये शीशा में क्या हो रहा है इसके साथ? तो इधर देखिए, और मछली के नाम बताइए कि कौन सा मछली है। यही लेना। तो मछली ले लिए और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अब हम लोग चलते हैं घर। पहली बार हस्बैंड जी मेरे साथ आए हैं कुछ खरीदने के लिए, वो भी मछली के घर से ले जा रहे हैं अपने घर मछली को। अब अपने घर में उसको रखेंगे, पोसेंगे, पालेंगे, दाना खिलाएंगे, फिर से बड़ा करेंगे, है कि नहीं। देखिए तो हस्बैंड जी यही बगान में रहते हैं, अब से बगान में हैं रहेंगे। और इधर हस्बैंड जी की दुकान है, अब बस थोड़े दूर जो है क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे कुत्ता सब बहुत ज़्यादा है तो अक्षय को डर लग रहा है और हाथ में हम लोग मछली रखे हुए हैं तो उससे और ज़्यादा डर है। चलिए अक्षय जी, डर को भगाइए और आगे बढ़िए, है ना। तो देखिए आप सबसे बात करते करते हम मछली घर पहुँच गए थे और वहाँ से मछली रंग बिरंगा मछली ले लिए हैं और अपने घर आप रखेंगे, है ना। आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर कि इसमें से मछली का नाम क्या सब था, ये सब मछली दिखाए ना सबका नाम क्या था, कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोग भी अपने घर में मछली रखे होंगे तो इसलिए आप कमेंट करिएगा, है ना। देखिए मेरे गेट पर भी जो है सो पहरेदारी लगा हुआ है,
है ना अक्षय? हाँ हाँ, चलिए तो हम लोग पहुँच गए अपने घर। तो हम लोग ले आए हैं मछली, अर्नब का ठोर देखिए यही गेंद की तरह है। लाल पीला हरा लाइए लाइए। तो ये मछली का घर है ना, अब इसमें सबको डालते हैं, ठीक है? तो फिर जाके आप लोग को दिखाएंगे। ये सारी मछली को डाल तो हम दिए हैं, लेकिन हमको डर लग रहा है कि ये जो है ना बड़ा वाला मछली जो है सो कहीं इसका आँख ना फोड़ दे, क्योंकि ये सबको हम न्यू लेकर के आए हैं। ये सब छोटी छोटी भी बच्ची है, तो ये सबसे बड़ा है जो पहले से घर में था। तो ये समय होता है क्या, जो छोटा रहता है ना, और चाहे जो नया ला करके रखिएगा तो उसका आँखें फोड़ देती है। तो हमको लग रहा है कि कहीं इसका आँख ये फोड़ ना दे ये बड़ा मछली, डर लग रहा है। देखिए और छोटी छोटी मछली सबको देखिए कितना अच्छा अब लग रहा है ना, देखिए अब सुंदर लग रहा है शीशा में। पहले खाली खाली एक ही मछली थी ये बड़ा वाला, बाप रे ऐसे लग रहा है ये मगरमच्छ है, और ये छोटा छोटा जो है इसका दाना। तो ये देखिए इसके अपने घर से जो है सो बाहर निकालना पड़ा है, अब इसको हम भेजा रहे हैं, क्योंकि वो सब छोटा छोटा जो मछली दिए है ना उस पर ये हमला बोल रही है, उसका आँख फोड़ रही है टिक टिक टिक, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, और वो सब एकदम छोटी छोटी सा है, वो सब डर के देखिए कैसन है। और ये जो है बड़ा जो है सो ये आँखें फोड़ रही है, यानी सब मछली को जो है सो मछली का बिदागरी कर दिए हैं। ये अपने ससुराल जा रही है, बिदागरी हो गया ये मछली का, ससुराल जा रही है। देखिए साइकिल पे बैठ के है ना, हाथ में मछली। हाँ अभी अपने ससुराल में अच्छा से रहेगी, खाएगी पिएगी। बाय बाय मछली, बाय बाय, चली गई। तो ये सुबह सुबह हस्बैंड जी फल खा रहे हैं, सुबह सुबह फल खाना चाहिए है ना हस्बैंड जी, लीजिए खाइए। और देखिए गर्मी से हस्बैंड जी है फिर से परेशान, देखिए ब्लू गंजी में वाइट वाइट आ गया है। हेलो छटकू छटकू मछली, वेलकम है, स्वागत है मेरे घर में, आप जियो हजारों साल, ये है हम सबकी आरजू, आपकी स्वागत है मछली, आपकी स्वागत है मछली, ये सबका स्वागत हो गया है न्यू घर में मेरे घर में। आज एक तारीख का है और एक तारीख ये न्यू मछली आई है मेरे घर में, तो अब से जो है ना सो इसका बर्थडे जब मनाएंगे तो एक तारीख को मनाएंगे है ना। तो आज खुशी की बात है कि मेरे घर आई नन्ही मुन्नी पड़ी, पड़ी है कि पड़ा है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पड़ी ही है। मेरे घर आई छोटी छोटी नन्ही पड़ी, छोटी छोटी नन्ही पड़ी, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रही देखने में, लाल पीला उजला हरा गुलाबी नीला पीला, ओ माय गॉड वाव अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये चिपकू को देखिए, ये चिपकू हमेशा चिपकले रहती है, ये गंदा बंदा खाती रहती है सिर्फ चिपकू। देखिए मगरमच्छ है ये मगरमच्छ की प्रजाति है चिपकू। तो ये देखिए हम झटाझट फटाफट तैयार हो गए हैं, और कैसे दिख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और तैयार हुए हैं कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि रील वीडियो बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए है कि नहीं, इसके लिए तैयार हुए हैं। पतिदेव जी आ गए हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। तैयार के मतलब क्या, सिर्फ शर्ट पैंट पहन रहे हैं, वो क्रीम पाउडर नहीं लगाते और ना ही ज़्यादा हम मेकअप से कप करते। देखिए फिर भी अच्छे दिख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा है कि नहीं। और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़े रहे इसके लिए दिल से थैंक यू, एंड एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो बनाने की ओर। तो बाय 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 बाय।